बगावत से डरी बीजेपी, शिवराज ने विधायकों के संघ की चर्चा। विधानसभा चुनाव में काटे जाएंगे टिकट, शिवराज ने बता दिया आधार। विधायकों से वन टू वन चर्चा में विधायकों के सामने रख दिया रिपोर्ट कार्ड। आपकी स्थिति क्षेत्र में ठीक नहीं है, जनता नाराज है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए तो बताएं, कुछ भी हो सीट जिता कर लाइए। अगर आप सीट जीतते हुए नहीं दिखाई देंगे तो टिकट मांगने ना आइएगा, क्योंकि पार्टी कमजोर उम्मीदवारों पर दांव नहीं लगाएगी। पार्टी से कुछ भी छिपा नहीं है, आप छिपा सकते हैं लेकिन जनता से कुछ भी छिपा नहीं पाएंगे। और जनता से हम पूछ लेंगे कि आपकी स्थिति आपके क्षेत्र में क्या है। आप कमजोर दिखाई देंगे तो हम टिकट नहीं देंगे, मजबूत होंगे तो एक बार फिर दांव लगाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ये बातें अपने विधायकों से बोल रहे थे, वो भी बंद कमरे में विधायकों से वन टू वन चर्चा कर रहे थे। बता रहे थे कि आप क्षेत्र में कहां कहां कमजोर हैं, क्या मजबूत पक्ष है और विरोधी कितना मजबूत है। शिवराज ने एक के बाद एक 22 विधायकों को बुलाया, उन्हें उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाया, साथ ही सर्वे की रिपोर्ट भी सामने रख दी, बता दिया कि क्षेत्र में आपकी स्थिति क्या है, साफ कर दिया सुधार के लिए 6 महीने का समय है, सरकार से जो मदद चाहिए खुलकर बताइए, हर काम किया जाएगा, उसके बाद भी कोई कमी रह गई तो सरकार को दोष मत दीजिए, इसलिए अब क्षेत्र में ही रहिए और जमकर मेहनत कीजिए। अधिकांश विधायकों को बताया गया क्षेत्र में उनकी स्थिति कमजोर है, इसलिए मेहनत करने में जुट जाएं, अभी और सर्वे कराए जाएंगे, स्थिति में सुधार दिखेगा तो पार्टी टिकट देगी, नहीं तो टिकट बदल दिया जाएगा। वैसे भी पार्टी की ओर से संकेत साफ साफ मिल रहे हैं कि 50% उम्मीदवार बदले जाने हैं, 30% से ज्यादा विधायकों के टिकट भी कटने के संकेत मिल रहे हैं। टिकट कटने से विधायक बगावत नहीं करें, इसलिए पहले ही उन्हें बताया जा रहा है कि कौन कहां कमजोर है। बगावत भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा पार्टी का ही फायदा करा जाएंगे, क्योंकि जिस पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे हिस्से में हार ही आएगी। इसलिए शिवराज ने वन टू वन विधायकों के साथ चर्चा करने का फैसला किया है। पहले दिन 22 विधायक एक एक कर बुलाए गए, वन टू वन चर्चा की। 5-5 मिनट की मीटिंग में सीएम ने विधायकों को पूरे कार्यकाल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट और सर्वे में सामने आई स्थिति को बता दिया। हालांकि कुछ विधायकों ने सीएम से लंबी चर्चा भी की। सीएम ने हर विधायक से वन टू वन चर्चा कर उनके क्षेत्र में विकास कार्यों में दी गई राशि और बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताया। इसके साथ ही सीएम ने विधानसभा क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में पूछा। सीएम ने विधायकों से पूछा कि आपके क्षेत्र में कौन सा अधिकारी कर्मचारी ठीक काम नहीं कर सीएम ने विधायकों से पूछा कि आपके क्षेत्र में कौन सा अधिकारी कर्मचारी ठीक काम नहीं कर रहा है। सीएम ने हर विधायक की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मिले फीडबैक के बारे में भी बता दिया। सीएम ने उन विधायकों को साफ लहजे में कहा है कि आपकी सर्वे में यह स्थिति सामने आई है, पब्लिक और कार्यकर्ताओं से फीडबैक में जो स्थिति सामने आई है उसके लिए आगे जो भी फैसला लिया जाए उसके लिए आप जिम्मेदार खुद होंगे। सीएम के साथ बातचीत के बाद कई विधायकों ने बताया कि चर्चा हुई है, क्षेत्र में कुछ कमियां उन्हें दूर करने के लिए कहा गया है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे और मेहनत करेंगे, एक बार फिर विधानसभा चुनाव जीतकर प्रदेश की सरकार बीजेपी की बनवानी है। शमशाबाद से बीजेपी विधायक राजश्री सिंह से भी पहले ही दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि चुनावी साल है और इस समय सर्वे कराना परंपरा बन गई है, सर्वे से जो कमियां हैं वो सामने आ जाती हैं, विधायकों की सारी रिपोर्ट तैयार होती है, उसी रिपोर्ट्स पर चर्चा होती है, मुख्यमंत्री हमारे बॉस हैं, उन्होंने हमें बताया कहां कमियां हैं और कहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हमें कुछ क्षेत्रों में सुधार करने को कहा गया है, हम सीएम साहब का आदेश मानेंगे, वैसे भी अपनी ओर से हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से बीजेपी में बगावत हुई उसके बाद से ही बीजेपी ने अपनी रणनीति बदलाव किया है, अब विधायकों को पहले ही उनकी कमजोरी बताई जा रही है, जिस कारण टिकट कटने पर वो सवाल ना उठा पाए कि उनका टिकट बिना कारण काटा गया। जिन विधायकों के टिकट कटने हैं उनका सर्वे में भी परिणाम खराब आया है, और ऐसे में विधायकों को अभी से संकेत दिए जा रहे हैं कि उनका टिकट कट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।